डॉक्टर की लापरवाही के चलते महिला की मृत्यु। इटावा में पीएसी गेट के सामने आईटीआई चौराहे के पास स्थित सर्वोदय हॉस्पिटल में हुई महिला की मृत्यु। परिजनों ने शव रखकर किया अस्पताल का घेराव, अस्पताल का स्टाफ हुआ रफू चक्कर। सूचना मिलते ही थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम प्रक्रिया में जुटी। आपको बता दें, चार दिन से अस्पताल में भर्ती महिला पिंकी और पेट में पल रहे 5 माह के बच्चे की हुई है मृत्यु। 4 दिन से भर्ती महिला का फोन से संपर्क करके किया जा रहा था इलाज। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में नहीं था कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद। मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएमओ श्रीनिवास यादव ने जांच पड़ताल करके हॉस्पिटल को सीज कर दिया है। मृतक महिला के पति कीरत सिंह अजीतमल औरैया के निवासी हैं, जिन्होंने बताया कि हम अपनी पत्नी को 4 दिन पहले इलाज के लिए हॉस्पिटल में लेकर आए थे, जहां डॉक्टर ने भर्ती कराया, उसके बाद इलाज शुरू कर दिया। उपचार ठीक से ना होने के कारण आज हमारी पत्नी की मृत्यु हो गई है। ये पेशेंट खत्म ये कौन थे आपके? हम हमारी घर से हैं। अच्छा, कहाँ रहते? हम बेरी कपरिया जीत मल के टाइम। अच्छा, तो कहाँ भर्ती के लिए? अब हम आते एलडी सर्वोदय में। सर्वोदय में कितने दिन से? आज 4th दिन है साहब। क्या क्या दिक्कत क्या थी? दिक्कत पेट में कमी थी। पेट में कमी थी। हाँ, फिर इलाज नहीं हुआ बहुत साफ फॉर्म में। सही हम क्या करें? 4 दिन भर्ती रखा, उसके बाद फिर यहाँ रेफर कर दिया। सही नहीं दे पाओ उन्हें। हाँ, इलाज ही नहीं दे पाओ सही उन्हें। इलाज नहीं दे पाओ फिर भी आप 4 दिन भर्ती के रखे रहे वहाँ पे? क्या कहते रहे वो? ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। हम जांच में रहे, हमें ठीक हो जाए मरीज, ठीक हो जाए मरीज। अगर हम यही होती तो हम ही ना लें आते, हमें इतनी जानकारी नहीं आती। फिर आज जिला अस्पताल में किसने भेजा? उनने रेफर कर दिया? उनने जाके चाहता ले जाओ, अन्य आगरा ले चलो। आगरा में इतनी दिनों मरीज में दम नहीं, हम कहाँ ले जाओ। मतलब वहाँ उन पर ठीक नहीं हुआ, तब उन्हें 4 दिन के बाद जिला अस्पताल भेज दिया। हाँ, कह दिया चाहे आगरा ले चाहे दिखा जाए। कितना रुपये तुम्हारा खर्च हो गया लगभग? रुपया करीबन होएगा 40,000-50,000। 40,000-50,000। यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ मरीज खत्म हो गया। खत्म हो गया, खत्म होएगा साहब। डॉक्टरों ने क्या कह दिया? उन्हें कि खत्म होएगा, हम क्या करें साहब। हॉस्पिटल को सील किया जा रहा है और उनके जो है जो लाभार्थी हैं, परिजन हैं, उनके द्वारा आज्ञा दी जाएगी, तो FIR भी कराई जाएगी और जो उसके आगे दोषी हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई जो भी संभव होगी उनके धाराओं में। जो अस्पताल रजिस्टर्ड है उनके क्या मानक है? कौन कौन अस्पताल में मौजूद होना चाहिए स्टाफ? अस्पताल में जो डॉक्टर पूर्णकालिक डॉक्टर है वो तो मौजूद होना चाहिए, और जो स्टाफ इनके यहाँ हमारे यहाँ पंजीकरण में जो इन्होंने दर्शाए हैं, इनको इनके द्वारा इन्होंने पंजीकरण में दिया है, वो स्टाफ होना चाहिए और उनके द्वारा ही कार्य करना चाहिए, ये मानक होना चाहिए। और जो इनके वहाँ बेड की व्यवस्था है तो बेड के लिए ये वो होते हैं कि अपने आवेदन में कितने बेड का हॉस्पिटल ये संचालित करना चाहते हैं, उसके आधार पर जो व्यवस्थाएं इनके यहाँ होनी चाहिए वो पूर्ण अगर नहीं है तो गलत है, और उसी के आधार पर हम लोग पंजीकरण देते हैं। व्यवस्थाएं पहले देखते हैं, उसके बाद अनियमितता कोई पाई जाती है शिकायत होने पर तो उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ तो सर कोई भी स्टाफ नजर नहीं है, मात्र 2 इस पर कार्रवाई हो रही है और इनका तहसील किया जा रहा है और आगे कार्रवाई भी जारी है। ठीक।